हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने मिस किया तो हो सकता है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है भरने के बाद भी आपका रिजेक्ट हो जाए। बेटा, आज का इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियल में। बेटा देखो, कई बार हमने देखा है कि लाखों की संख्या में बच्चे होते हैं जो हर साल नेट कैफे से फॉर्म भरवाते हैं, या अपने जान पहचान के जो भैया होते हैं या जो दीदी होती हैं उनसे फॉर्म भरवा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं जो आपके लिए भारी पड़ती हैं। देखो, पहली गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, जब वो अपना फॉर्म भरवाते हैं नेट कैफे से या अपने किसी रिलेटिव से, तो वो अपनी मेल आईडी नहीं पढ़वाते हैं। बेटा, अगर आपने अपनी मेल आईडी नहीं पढ़वाई होगी तो होगा क्या कि आपके पास जो अपडेट होंगे एग्ज़ाम को लेके, जैसे आपका एडमिट कार्ड को लेके, आपकी एग्ज़ाम डेट को लेके, तो वो अपडेट आपके पास आ ही नहीं पाएंगी। तो अपडेट आपके पास जब नहीं आ पाएगी तो कई बार क्या है, हमको हमारे एग्ज़ाम की डेट पहले पता नहीं चल पाती है, या एडमिट कार्ड रिलीज होने की जो डेट है वो पहले पता नहीं चल पाती है। तो इस चक्कर में क्या है, प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती है। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना मोबाइल नंबर नहीं डलवाते हैं फॉर्म में, वो क्या करते हैं किसी का भी नंबर डलवा देते हैं। बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखो, जो भी मोबाइल नंबर डलवा रहे हो एटलीस्ट उसमें इनकमिंग होनी चाहिए, जो मैसेजेस वगैरह हैं वो आने चाहिए। कई बार होते हैं बच्चे डलवा देते हैं किसी का भी मोबाइल नंबर, उस पर इनकमिंग नहीं है, वो कभी रिचार्ज ही आप लोग नहीं करवा रहे हो। तो बेटा इस चक्कर में क्या होता है कि अगर कोई भी मैसेज आएगा एनटी की तरफ से रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, योर एडमिट कार्ड, तो फिर वो आपको मैसेज मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा नहीं तो आप सोचो कि यार हमने तो नंबर डाला था, हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको मेल आईडी डलवाना ही डलवाना है, आपको मोबाइल नंबर डलवाना, और किसका डलवाना, अपना डलवाना है, ये ध्यान रखिएगा, किसी और का नहीं डलवाना है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेल आईडी नहीं बनाई है, मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी मेल आईडी बना लें, एक मोबाइल नंबर कर लें, और मेल आईडी का जो भी आप पासवर्ड वगैरह बनाते हो वो अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप मेल आईडी पे लॉगिन वगैरह करो तो वो आसानी से हो जाए। तो बेटा दो चीज़ें तो ये आप समझ गए हो। हाँ बेटा, जिस आपको मैं तीसरी गलती ऐसी बताता हूँ जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बेटा फॉर्म रिजेक्ट का बेटा कारण क्या है, फॉर्म रिजेक्ट का कारण बता दो क्या होता है। कई बार आपने फ़ोटो क्या करी है, खुद क्लिक कर लिए, तुम खुद ही फोटोग्राफर बन गए हो। अब तुमने ऐसी फ़ोटो खींची कि वो क्लियर नहीं आई, कुछ इश्यूज आए, तो वो क्या है, कई बार फॉर्म रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो फोटो क्या करना है, जो फोटोग्राफर होता है उससे खिंचवा लो जाके, 20-25-30 रुपये जो खर्चा हो रहा है उसको कर लो, ज़्यादा पैसा ना बचाओ, इतना ही पैसा नहीं बचाना है भाई, 20-25-30 रुपये तो लगेंगे फ़ोटो खिंचवाने के, वो आपको फ़ोटो बना के देगा ना, उससे कह दो भैया हमको एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए और बाकी हमको हार्ड कॉपी चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, खुद ही खींच लेते हैं मोबाइल से, इस चक्कर में कई बच्चों की रिजेक्ट भी हो जाती है। मोबाइल से फ़ोटो खींचना गलत नहीं है, लेकिन कई बार भाई हम जब फ़ोटो खींचते हैं तो हमको लगता है कि हमने सही खींचा है, लेकिन वो गलत खींची होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपकी फ़ोटो ही मिसमैच करेगी तो फिर दिक्कत होगी। और कुछ बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी 2 साल पुरानी फ़ोटो लगा देते हैं, जब वो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने, तो एग्ज़ामिनर क्या करता है, फ़ोटो से तुम्हारा चेहरा मिल आता है कि तुम ही बंदे हो जो एग्ज़ाम देने आए हो, तुम्हारा चेहरा मिल नहीं रहा है तो वो तुमको फॉर्म कैसे देने देगा एग्ज़ाम, फिर उस समय तुमको दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब ये है, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होगा, और कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाओगे तब तुम भगा दिए जाओगे, फिर तुम कहोगे यार कोई काश बताने वाला होता। तो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को समझो, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनको हम कभी नहीं सीरियस लेते हैं। और एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना कि अपनी एक आईडी ज़रूर बनवा लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई आईडी नहीं होती है, तो एक वैलिड आईडी आप ज़रूर बनवा लीजिएगा, जिसको एटलीस्ट आप एग्ज़ाम सेंटर पे ले जा सकें। अभी आपके पास बेटा अच्छा खासा समय है, आराम से तुम एक वैलिड आईडी बनवा सकते हो,
और आराम से चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बेटा ध्यान रखनी है। अगर बेटा इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो बेटा आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और बेटा अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोचिंग वगैरह करना चाहते हो कानपुर में, तो बेटा आप लोग कानपुर में बेस्ट कोचिंग कर सकते हैं। और बेटा बेस्ट कोचिंग में जो नाम आ रहा है बेटा, वो आरएस इंस्टीट्यूट का आ रहा है। तो आप लोग बेटा आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर आईआईटी जेई की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।